हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट जहां पे यूज़ होगा, जहां भरा जा सकता है, वो आपको फिल करना है। ए पार्ट पढ़ते हैं। एन एंगल हुज मेज़र इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। कोई एंगल जिसका मेज़रमेंट राइट एंगल से छोटा है। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री से जो छोटे डिग्री के एंगल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट। बी पार्ट। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज। अब कोई एंगल जो 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है, 90 से भी आगे निकल जाता है, ऐसे एंगल को बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। तो उस एंगल का नाम होगा ऑब्ट्यूस। सी पार्ट। एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स इज। क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है कि वो एंगल क्या बोला जाएगा जो दो एंगल्स के सम, दो कैसे एंगल्स, दो राइट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो देखिए, राइट एंगल ऐसे बनता है, जब हम यहां से एंगल बनाना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल एल बन जाता है, ये 90 डिग्री का हो गया राइट एंगल। आगे भी अगर इसके हम बिल्कुल ऐसे यहां से यहां तक 90 डिग्री बना देते हैं तो 90 और 90 180 डिग्री हो जाता है, और 180 डिग्री के ऊपर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो दो राइट एंगल्स को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो इसका नाम होगा स्ट्रेट। डी पार्ट। When the sum of the measures of two angles is that of a right angle, then each one of them is. Question की language कहती है कि sum of measures of two angles, कोई दो angles हैं और उन दोनों का जो sum है ना, वो right angle के बराबर है, यानी कि 90 degree के बराबर है। कोई दो angles हैं, उनका sum 90 degree के बराबर है। तो ये जो दोनों angles हैं ना, ये क्या होंगे? आपको भरना है ऑब्ट्यूस, एक्यूट, राइट या स्ट्रेट। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो सकते हैं? अब देखिए, जब दो एंगल्स हैं और दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स ये जो दोनों हैं, ये 90 से तो कम के ही होंगे, 90 डिग्री से तो ये कम के ही होंगे। जीरो डिग्री का भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो एंगल्स है, सम है, तो जीरो से तो बड़ा ही होगा। तो अगर ये कितने भी डिग्री का, लेट सपोज ये 10 डिग्री का भी है, तो दूसरा वाला 80 का होगा। अगर ये 70 का है तो दूसरा वाला 20 का है, क्योंकि दोनों मिलके राइट एंगल बनना है, यानी कि 90 डिग्री बनना है। तो ये दोनों जो होंगे हमेशा हमेशा 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, और 90 डिग्री से जो छोटे एंगल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये दो एंगल्स एक्यूट होंगे। दो एक्यूट एंगल्स का सम ही मिलके राइट एंगल बना सकता है। ई पार्ट। When the sum of the measures of two angles is that of a straight angle, and if one of them is acute, then the other should be. Question की language को ध्यान से देखिए। कहता है दो angles हैं, ये एक angle और ये दूसरा angle. When the sum of the measures of two angles is that of a straight angle, कोई दो angles हैं, उनका जो सम है वो स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल अभी बताया आपको कि वो 180 डिग्री का होता है। इतनी बात आप समझे, दो एंगल्स का सम स्ट्रेट एंगल है। एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, अब इन दो में से एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब है 90 से छोटा है, लेट सपोज मैं 80 मान लेता हूं, देन द अदर शुड बी। तो जो दूसरा है वो क्या होगा? क्या क्या मतलब है कि या तो वो एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, राइट होगा, स्ट्रेट होगा। ये चार ही तो ऑप्शन है आपके पास जो भरने हैं। तो अपना दिमाग लगाइए कि कोई दो एंगल्स हैं, उनका सम 180 है, और यहां पे जो एक एंगल होगा ना, वो 90 से छोटा होगा, तो दूसरा क्या होगा? वो 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा होगा तभी तो 180 बनेगा। दोनों एंगल्स भी 90-90 के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां कंडीशन दे दी ना आपको कि एक एंगल तो एक्यूट चाहिए ही चाहिए, यानी 90 से छोटा चाहिए, तो दूसरा 90 से बड़ा होगा। आप इस केस में देख लीजिए, यहां 100 लगाओगे तो आप 180 डिग्री पाओगे। अगर मैं यहां पे एक एक्यूट एंगल ले लेता हूं 60 डिग्री का, तो दूसरा मुझे क्या चाहिए ताकि दोनों मिलके 180 डिग्री बन जाए? तो दूसरा 120 चाहिए। तो जब आप एक एंगल 90 से छोटा लोगे ना,
तो उन दोनों एंगल्स का सम बनाने के लिए, 180 बनाने के लिए, दूसरा एंगल आपका हमेशा 90 से बड़ा ही आएगा, और 90 से बड़े एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस। तो दूसरा एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो द अदर शुड बी एन ऑब्ट्यूस एंगल, दूसरा पक्का पक्का ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।